यूक्रेन को झुकने नहीं देना चाहता यूरोप। जर्मन चांसलर का भी बहुत बड़ा ऐलान, यूक्रेन को IRIST मिसाइलें देगा जर्मनी। नेटो के साथ मिलकर जर्मनी ने बनाई IRIST, यूक्रेन को हाई क्लास रेडार भी देगा जर्मनी। इससे क्या फर्क पड़ेगा श्रीवास्तव सर? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप ये इंफ्रारेड जो सेंसर आप देना चाहते हैं, ये तो हवाई जहाज से चलता है, F-16 से चलेगा, टाइफून से चलेगा, वो जहाज तो उनके पास है नहीं। लेकिन कल के दिन भी ये ना पूछा जाए ना इटली और देने से फायदा क्या, फ्रांस से, तो जर्मनी से, कि आप लोगों ने किया क्या? मेरा पहला ये सिर्फ बयानबाजी है और टीवी वॉर जो है जिसको मीडिया वॉर कहते हैं, वो तो हम बयान मान ही चुके हैं कि यूक्रेन जीत चुका है और रशिया हार चुका है। लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से रशिया ना तो हारा है ना अपने जो उसने 3 बनाए थे अपने वो अटैक के मिलिट्री ऑपरेशन के वो लक्ष्य, उनमें भी नहीं हारा है, क्योंकि 20% जो टेरिटरी उसके पास अभी आ रही है ईस्ट वाली और साउथ वाली, उसमें 80% उनके खनिज हैं, 80% यूरेनियम है, 80% ऑयल वो है। अगर सी ब्लॉकेड हो गया तो यूक्रेन के पास क्या बचेगा? और जो आप कह रहे हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, वो तो आइजनहावर के ज़माने से चला आ रहा है। उन्होंने कहा था एक ज़माना ऐसा आएगा, उन्होंने खुद कहा था, वो राष्ट्रपति थे, जबकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो रूल करेगा अमेरिका के ऊपर, अमेरिका को वो सारी नीतियां बनानी पड़ेंगी जिसमें सर, लेकिन इसके लिए आज के लिए ज्यादा जिम्मेदार आइजनहावर हैं या ट्रूमैन हैं सर? बोरा सर, आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में, जो आधार था कोल्ड वॉर में कि किसी ना किसी तरह से, अब जर्मनी को तो हमने उड़ा दिया, वो क्या था जो सबको हिट करता रहता था, क्या नाम था, हिटलर, हाँ उसको तो भगा दिया हमने। अब सोवियत संघ आ रहा है और कम्युनिज्म ग्रीस में आ रहा है, टर्की में आ रहा है, फ्रांस में आ रहा है। सर सच्चाई ये है कि जिन देशों को जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया था वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और डर था अमेरिका को ये सब कम्युनिस्ट बन जाएंगे। तो ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन थी कंटेनमेंट, जहां भी सोवियत संघ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा हम जाएंगे, और फिर 1949 में स्थापना हुई वो नॉन अलायंस। लेकिन इसके ऊपर सर, इसके ऊपर जो एनवेलप चढ़ाया गया कि हम स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, डेमोक्रेसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, मैं कपिल सर के पास जाना चाहता हूं। सर क्या दुनिया इस एनवेलप को समझ नहीं पाई? इस एनवेलप के अंदर क्या बेचा जा रहा है वो देख नहीं पाई सर? देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये जो एनवेलप आप बता रहे हैं डेमोक्रेसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को डेमोक्रेसी कहने वाले दुनिया भर में इन्होंने डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो ईरान का शाह हो, चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ISI हो, और चाइना जो आज बना है, आज चाइना अमेरिका की वजह से बना है, जो चाइना जिस पोजीशन में वर्ल्ड के ऊपर खड़ा हुआ है कि उसको इकोनॉमिक पावर बनाने में और करने में इन्होंने उसे सोवियत यूनियन के यूज खिलाफ करने के लिए भड़क दी पूरी की पूरी। मुझे ये बताइए अमेरिका ने, अगर बर्मा में जब डेमोक्रेसी हर रही थी तब वहां ये सिपाही क्यों नहीं बने जाकर के बर्मा के अंदर हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे? पाकिस्तान में 71 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान की सारी डेमोक्रेटिक उसको किल करके बांग्लादेश बना है, उस समय ये क्यों डिक्टेटर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे जाकर के? तो ये इनका जो तमाशा है कि हम दुनिया के डेमोक्रेसी के ठेकेदार है, ये बकवास है इनकी बिल्कुल। और ये एनवेलोप उतरा है और आज सवाल पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर कि क्या है तुम डेमोक्रेट दुनिया के अंदर, अपने आप को जो डेमोक्रेट कहते हैं। एक चीज मैं यहां और कहूंगा दिनेश जी, उस चीज को नजरअंदाज मत करिए, ये न्यूक्लियर वॉर रशिया और अमेरिका को लेकर के जो रोग स्टेट्स हैं आज के जमाने में, अगर आप पिछले 15-20-22 साल की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले अगर एटम बम का किसी ने थ्रेट दिया इस दुनिया को तो वो पाकिस्तान था, जिसने इंडिया को ये थ्रेट दिया था कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर, और जो उसके मिनिस्टर ने तो 250-250 ग्राम के भी एटम बम बना लिया। मत भूलिए नॉर्थ कोरिया को, मत भूलिए नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, और अलकायदा को मत भूलिए, राइट? ISIS और अलकायदा देखिए चुप बैठे हैं बिल्कुल, ठीक बात है, तालिबान चुप बैठा है, ठीक बात है। तो इन पूरे इसको टोटलिटी में सिनेरियो वर्ल्ड का देख करके ठीक है फिर आइए डिसीजन। तो कपिल सर ये कह रहे हैं कि जहां पर सीधे सीधे बंदरों के हाथ में उतरा है उसको पहले खातिर में लाइए, बाकी की बातें बाद में कीजिएगा। और एक बात और देखिए, कहा यह जाता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जिसका हाथ दबा हुआ होता है, जो पीछे जा रहा होता है, अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार भी है तो सीधे न्यूक्लियर की तरफ भागता है या उसकी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इसी एक तरीके से वो बढ़त हासिल कर सकता है। इसलिए और खासतौर से पाकिस्तान से और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में रूस अब भी बहुत मजबूत है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।